अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शकील अहमद फैंसी पोल्ट्री। तो सब भाइयों को मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज बैंटम आप पीछे देख रहे होंगे, मुर्गियाँ ब्लैक और वाइट हैं, ये आप भाइयों को दिखाता हूँ। आज इनके टॉपिक पर बात होगी कि अगर आपने पोल्ट्री का बिज़नेस फैंसी करना है तो किस तरीके से स्टार्ट लिया जाए। तो आज आप भाइयों को बताएंगे। ये देखें, ये खुड्डा है इनका, अभी तो फ़िलहाल ये छोटी हैं, अभी कोई 4 मंथ के हैं, कोई 3 मंथ के हैं, तो ये इकट्ठे ही छोड़े हुए हैं इसमें। तो मैंने स्टार्ट लिया है, नीचे इनक्यूबेटर बनाया है, बहुत ही अच्छा और कमाल का इनक्यूबेटर मैंने डिज़ाइन किया है। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप भाई वो भी जाके देख सकते हैं कि वो इनक्यूबेटर किस डिज़ाइन का और कैसा बना हुआ है। और उसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 100% रिज़ल्ट है मेरे इनक्यूबेटर का। तो आज मैं बात कर रहा हूँ बैंटम के ऊपर, कि अगर कोई भाई स्टार्ट करना चाहता है, अगर कोई भाई पोल्ट्री का फैंसी पोल्ट्री का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो किस तरह से स्टार्ट करे। शोर बहुत मचा रही है, तो किस तरीके से स्टार्ट किया जाए फैंसी पोल्ट्री। तो हैचरी से आपने अगर स्टार्ट लेना है, आप ख़ुद की हैचरी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले बैंटम का इंतखाब करें, क्योंकि ये बैंटम ब्रीड जो है ये बहुत ही हार्ड है, ये गर्मी और सर्दी को बहुत अच्छी तरह से बर्दाश्त करती है, इसमें कुव्वते मुदाफ़त बहुत ज़्यादा होती है और इसके जो चिक्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। मैंने फुल सर्दियों में भी इनकी हैचिंग ली है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से सारे बच्चे जितने निकले हैं सारे मैंने पाले हैं, कोई मेरी मोर्टैलिटी नहीं हुई। तो आप भाइयों को यही मेरा मशवरा है कि आप अगर फैंसी पोल्ट्री का कारोबार करना चाहते हैं तो आप बैंटम से स्टार्ट लें, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और आहिस्ता आहिस्ता जूँ जूँ आपका बिज़नेस बढ़ता जाए इसी में से आप जो है ज़्यादा महंगी ब्रीड है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। मसलन ब्रह्मा है, कोचीन है, बहुत सारी वैरायटियां हैं बैंटम में। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी ये ब्रीड ज़्यादा हो जाए तो इन्हीं को सेल इनमें से करके आप जो अपनी ब्रीड है ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप भाई देख रहे हैं, ये सारे अंदर अब डर गए हैं, एक मुर्गे को पकड़ा था तो सारे डर गए हैं, सारे डर गए हैं चूजे। तो ये कुछ बायर हैं जो ऑस्ट्रोलॉब के, वो मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ, मैं ब्रीडर तैयार कर रहा हूँ। ये बायर मैंने केज रखा हुआ है, अभी मौसम थोड़ा सा ठीक है इसलिए इनको बायर निकाल देते हैं, फुल गर्मी में तो इधर नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं इनकी शाइनिंग, इनकी चमक, प्योर ऑस्ट्रोलॉब हैं। इनमें 2 मुर्गियाँ क्रॉस की हैं, 2 मुर्गे और 7 मुर्गियाँ ऑस्ट्रोलॉब हैं। ये ब्रीडर तैयार कर रहा हूँ मैं इनक्यूबेटर के लिए खुद के, तो इंशाल्लाह ताला इनकी जो हैचिंग है वो गर्मियों में स्टार्ट हो जाएगी। बस एक आध महीना ही रह गया है, या 15-20 दिन या महीना, इतने दिन ही है ये अंडे शुरू कर देंगे, क्रॉस होना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये अब बाहर आ गए हैं सारे बैंटम, ये आप भाई देख सकते हैं कितने एक्टिव और हेल्दी हैं। तो मेरा यही आप भाइयों को मशवरा है कि आप बैंटम का जो है बिज़नेस वो स्टार्ट करें। इन अगर इनक्यूबेटर से आप स्टार्टिंग लेना चाहते हैं हैचरी से तो ये बेस्ट आइडिया है, इसलिए आप दोस्त जो है वो बैंटम का जो है काम ये स्टार्ट करें फैंसी में। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। आप भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, दूसरी वीडियोज़ आप दोस्त भाइयों का फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा नया चैनल है, आप भाइयों की मदद से ये इंक्रीज़ होना है। तो ओके भाई, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।